हेलो दोस्तों, मैं हूं द्रविंद सिंह और आप देख रहे हैं टेक नरू का चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किसी भी अननोन नंबर की, जैसे दोस्तों आप किसी भी सिम की जो जानकारी है, ठीक है, किसी भी मोबाइल नंबर की आप जानकारी कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, उसके किस नाम से वो सिम रजिस्टर है, ठीक है, वो उसका उसका क्या एड्रेस है, ठीक है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, मतलब पूरा जो डेटा है ना सिम का वो आप अपने मोबाइल में निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल टेक्नोरुका को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे ये घंटी का बटन है, इस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों, आपको इतना सा ही काम करना है। और दोस्तों, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें यहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको मोबाइल के अंदर। और दोस्तों, उसके आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल में, ठीक है। और दोस्तों, गूगल में आपको एक चीज सर्च करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ, है ना। तो आपको दोस्तों जो मैं लिखूंगा वही आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्रिप्टो बेटर आपको यहाँ पे सर्च करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्च कर दिया मैंने। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है ये, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए क्रिप्टो बेटर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस जो पेज है इसका ना, ये वेबसाइट है, इसको अच्छे से लोड होने देना है, ठीक है। इसको ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इसको आपको कुछ नहीं करना है और वापस से इसको बैक करना है। और दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है, ठीक है। और दोस्तों, जब आप बिल्कुल इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे, बिल्कुल नीचे आपको जाना है, सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है। और दोस्तों सबसे लास्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये पूछ रहा है आपसे, सेलेक्ट योर सिम नेम, ठीक है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा ऑपरेटर है, जैसे एयरटेल है, जियो है, BSNL, वोडा, या दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सा यूज करता है ऑपरेटर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अदर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई दे रहा है एंटर का ऑप्शन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम थोड़ा लेता है लोडिंग होने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे देखिए 7-10 मिनट गए, यहाँ पे देखिए अगेन क्लिक हियर, मतलब दोस्तों यहाँ पे कभी कभी लोड नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे इस तरह करना रहता है, ठीक है। 2-3 बार आपको करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये मैं फिर से इसको करता हूँ, ये हमारा जो पेज है वो यहाँ से ऐड आ गया था बीच के अंदर, इसलिए मैंने उसको कट किया, तो ये हम वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसको वापस से नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे देखिए अदर करना है, अदर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक अगेन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंटरफेस और ओपन होता है, ठीक है। इसको आप दोस्तों यहाँ पे फिर से ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है अलाउ का, इसको आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए आपको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाना है, ठीक है। दोस्तों जब आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाओगे, एकदम बिल्कुल नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा चेक नाउ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे अदर पे चेक नाउ क्लिक करना था, आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐड आते हैं, लेकिन इनको आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए थोड़ा अपन जब नीचे चलेंगे ना, तो यहाँ ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डिलीट सॉरी जिस भी मोबाइल नंबर की आपको यहाँ पे जानकारी चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना ही नंबर एक बार डाल देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहीं पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों फिर से वो एंटर वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको आप पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वापस से इसको देखिए यहाँ पे ऐड आ गए, इन ऐड को आपको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, जब ऐड आते हो अपना जो पेज है ना वापस से रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको वापस से ऐसे इस तरह नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों वापस से देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐड की वजह से ना ये जो वेबसाइट है ये थोड़ा लोड ले लेती है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे दोस्तों एंटर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब आपको नीचे जाना है, ये देखो फिर से ऐड आ गया है, इसको आपको ऐड कर देना है, ऐड को कट कर देना है, और जो हमारी वेबसाइट है जो हम यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं उसको आपको अच्छे से ओपन होने देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो टाइम दे रहा है ये टाइम यहाँ पे वेट करना है, और इसके बाद में दोस्तों आप जिस भी सिम की यहाँ पे डिटेल जानना चाह रहे हो ना दोस्तों, वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं,
दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे कुछ समय लग सकता है दोस्तों। अगर जैसे अगर यहाँ पे दोस्तों अपन मोबाइल नंबर डालते हैं और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे एंटर डालते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अपनी जो फाइल है उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो बिल्कुल रेडी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, जो हमारी फाइल है उसको रेडी है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखो पूरा इसका जो 100% है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी डिटेल है वो पूरी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पूरा डेटा है वो आ चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपके थोड़ा सा वीडियो नॉलेजेबल लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।